जिला कांगड़ा के 10,000 नए पात्र लोगों को चालू वित्त वर्ष अप्रैल से सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान की जाएगी, जिसका भुगतान जुलाई में किया जाएगा। यह जानकारी मुख्य संसदीय सचिव जगजीवन पाल डीआरडीए भवन धर्मशाला में आयोजित जिला कल्याण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। मुख्य संसदीय सचिव जगजीवन पाल ने बताया कि गत वर्ष 56,450 पात्र व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान की जा रही थी, जबकि चालू वित्त वर्ष में 66,450 पात्र व्यक्तियों को पेंशन का लाभ मिलेगा। उन्होंने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने का आह्वान किया, ताकि ग्रामीण और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके। उन्होंने सामाजिक न्याय और अधिकारिता एवं कल्याण विभाग को खंड विकास अधिकारियों के माध्यम से विकास खंड और पंचायत स्तर पर जागरूकता कैंप आयोजित कर लोगों को जागरूक करने को कहा। खंड विकास अधिकारियों को भी जिला कल्याण समिति की बैठक में शामिल करने के निर्देश दिए। अब लोगों को मेरे ख्याल 10,000 के लगभग जिला कांगड़ा में जुलाई में नई पेंशन लगेगी, जिसमें विधवा पेंशन और अपॉइंट पेंशन अक्षम लोगों के लिए, और जो 80 साल या 80 साल से ऊपर माताएं हैं या बुजुर्ग हैं उनको 1,100 रुपया प्रति मास के हिसाब से नई दरों के साथ 1 अप्रैल 2015 से अप्रैल मई और जून का जुलाई में मनी ऑर्डर चलेगा। और इसके बावजूद जो OBC और SC के लिए घर मिलते हैं या जनजाति के लिए, वो भी 75,000 के हिसाब से जितने मकान हैं वो आवंटित किए जाएंगे, और ऐसी कई योजनाएं हैं। के चैनल के लिए धर्मशाला से निपी बादल की रिपोर्ट।